क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजवानी। समय हो गया है बिहार की बड़ी खबरों से आप सभी को रूबरू कराने का। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मिशन 2024 के चुनाव को लेकर अब प्लानिंग शुरू कर दी है। सत्ताधारी पार्टी को हराने के लिए बिहार सीएम ने विपक्षी दलों को एकजुट करने की अब मुहिम छेड़ दी है। बता दें कि नीतीश कुमार इस वक्त दिल्ली में है। नीतीश कुमार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात के बाद अब एक बार फिर से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से भी मुलाकात करने वाले हैं। कांग्रेस नेताओं से मुलाकात के साथ ही वो 2024 को लेकर रणनीति भी तैयार कर सकते हैं। तो विपक्षी दलों के नेताओं से लगातार नीतीश कुमार की मुलाकात जो है वो जारी है। तो वही बिहार सीएम नीतीश कुमार इस वक्त दिल्ली में मौजूद है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मंजीत हमारे साथ जुड़े हैं। मंजीत, लगातार जो बिहार के सीएम यानी कि नीतीश कुमार हैं वो लगातार विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने की कवायद करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वो इस वक्त दिल्ली में मौजूद है। दिल्ली में क्या कुछ कार्यक्रम है उनका? जी मुस्कान, बता दूं आपको कि फिर जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं वो दिल्ली के दौरे पे हैं और उन्होंने वहां जाके माननीय जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल वहां उन्होंने मुलाकात किया और 2024 का जो रणनीति है उस पे वो चर्चा कर रहे हैं और उससे मुलाकात करके उसके बाद राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मुलाकात करेंगे वो। और इसी को लेकर जो है कि पीपल्स पार्टी जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के रामविलास के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चिराग पासवान वो भी पटना में एक मेमोरियल हॉल में प्रेस वार्ता कर नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। इस दौरान चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार पर जमकर हमला ये बोला, उन्होंने कहा कि विपक्षी दल को एकजुट करने में खुद पीएम को चेहरा बनकर घूम रहे हैं लेकिन बिहार की जनता ने उनको तीसरे नंबर की पार्टी बताया है। इस समय वो दूसरे दलों की मेहरबानी से सीएम बने हुए हैं। वो कितने भी विरोधी दलों को मुलाकात कर ले लेकिन उनकी कोई फायदा नहीं, ये इस तरह का बात चिराग पासवान ने कहा। ठीक है मंजीत, जिस तरीके से नीतीश कुमार इस वक्त दिल्ली में जो तमाम बड़ी बड़ी पार्टियां हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन क्या बिहार में ही वो विपक्षी पार्टियों को एक साथ अपने खेमे में ला पाएंगे? नहीं नहीं, अगर जिस तरीके से नीतीश कुमार खुद बयान दे रहे हैं बीजेपी और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और जो भी उनके पार्टी में नहीं है उन पे वो कई तरह के जो भाषा में देख रहे होंगे कि तीखा बोल रहे हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि बिहार में जो उनके पार्टी में जो लोग नहीं है उनसे वो गठबंधन करने की राजी नहीं है और उनकी एक सपना बन गया है एक जिस रूट पे वो चल रहे हैं कि प्रधानमंत्री का चेहरा, लेकिन दूसरे भी पार्टी उनको चेहरा प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं मान रही है। अब ये देखना ये है कि किस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसको 2024 का रणनीति वो तैयार करते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद मंजीत इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वहीं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने पटना के एसके मेमोरियल हॉल में एक प्रेस वार्ता की थी। इस दौरान चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों को एकजुट करने में खुद पीएम का चेहरा बनकर वो घूम रहे हैं लेकिन बिहार की जनता ने उनको तीसरे नंबर की पार्टी बनाए हैं। इस समय वो दूसरे दलों की मेहरबानी से सीएम बने हुए हैं। वो कितने भी विरोधी दलों से मुलाकात कर ले लेकिन उनको कोई भी फायदा मिलने वाला नहीं है।
तो चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार पर एक बार फिर से निशाना साधा है। विरोधी दलों से मुलाकात करने से कोई फायदा नहीं है। जी हां, चिराग पासवान ने यह बयान ऐसे वक्त दिया है जब खुद नीतीश कुमार इस वक्त दिल्ली में मौजूद है। कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता, फिर चाहे वो राहुल गांधी हो या कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से वो मुलाकात कर रहे हैं। 2024 की रणनीति पर भी चर्चा हो सकती है। तो ऐसे में पटना में चिराग पासवान ये बयान दे रहे हैं कि सीएम नीतीश कुमार, जिनकी पार्टी को खुद बिहार की जनता ने तीसरे नंबर पर खींच दिया है, तो वो खुद ही विरोधी दलों से मुलाकात कर रहे हैं और ऐसा करने से उन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव में कोई भी फायदा नहीं मिलने वाला है। प्रदेश जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता आरसीपी सिंह पर जमकर निशाना साधा है, जहां उन्होंने अस्तवा और इस्लामपुर का एक दस्तावेज हाथ में दिखाते हुए कहा कि आरसीपी सिंह ने यहां बड़ा फर्जीवाड़ा करते हुए जमीन घोटाला किया है और इसकी जांच भी हो रही है। इस दौरान उन्होंने मीडिया से मुखातिब हुए क्या कुछ कहा है, पहले वो भी आपको सुनाते हैं। उससे भी कड़ा है महाभारत, भगवत गीता, इस सब से देखिए कितना है, देख लीजिए इसका दस्तावेज, इनका एक प्रखंड की उपलब्धि है यह। चलिए अब इस्लामपुर, हम विधानसभा का सीट हार गए लेकिन आप गुनाहगार थे, वहां जमीन आपके परिजन खरीद रहे थे, उसमें भी कितना फर्जीवाड़ा है बताने की जरूरत नहीं है, देख लीजिए सब रखे हुए हैं। जैसे आप माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को साहब कहते थे, उससे खबर सुपौल से है, जहां प्रतापगंज प्रखंड क्षेत्र के गोविंदपुर पंचायत स्थित काली मंदिर परिसर के पंचायत भवन में भारतीय जनता पार्टी की जिला स्तरीय कार्यकारिणी समिति की बैठक आहूत की गई है, जिसकी अध्यक्षता भाजपा के जिला अध्यक्ष नरेंद्र ऋषि देव ने की है, जबकि मंच संचालन जिला महामंत्री प्रदीप कुमार मुन्ना ने किया है। वहीं बैठक को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष नरेंद्र ऋषि देव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में 9 साल बेमिसाल के तहत उनके कार्यकाल और उनके क्रियाकलाप को लोगों तक पहुंचाना है। तो बीजेपी के जिला स्तरीय कार्यकारिणी की बैठक सुपौल में हुई, जहां 2024 चुनाव को लेकर एक रणनीति तैयार की गई। तो वही इस बैठक के जरिए कार्यकर्ताओं को यह भी निर्देश दिए गए कि 9 साल बेमिसाल के दौरान जो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कार्य किए गए हैं उसको जन जन तक पहुंचाना अब कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है। तो वहीं बिहार के भागलपुर के नवगछिया अनुमंडल के नारायणपुर अंचल के सी अजय कुमार को पुलिस ने जमीन दाखिल खारिज के नाम पर एक महिला से जबरदस्ती करते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि नारायणपुर सीओ अजय कुमार सरकार पर महिला ने दुष्कर्म का प्रयास करने का आरोप लगाया है, जहां सीओ को नारायणपुर के बीडीओ के रूम से गिरफ्तार किया गया है। वह पीड़ित महिला की मेडिकल जांच अनुमंडल अस्पताल में करवाई गई, फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। समस्या मेरा जमीन जगह का मैटर है। कितना? 2 कट्ठा 6 दूर का, जिसमें 6 दूर में हम रह रहे हैं अभी। उसका भी मोटिशन करा दिया था, उसका मोटिशन फिर रद्द हो गया। 2 कट्ठा का रद्द नहीं हुआ, उसका रजिस्ट्री हो गया। किसका रजिस्ट्री हो गया? किसके नाम से रजिस्ट्री हो गया? ये लड्डू मरवारी के नाम से। अच्छा, वो जमीन किसका है? वो सूरज झा का है, अशोक झा, अशोक झा उसका पिता का नाम हुआ। खरीदा कौन है? खरीदा हम थे। कौन आपका नाम? मेरा नाम रंजीत कुमार हुआ। कब खरीदे थे? खरीदे थे आज। ये तारीख, उसका नाम क्या है सर? अजय कुमार सरकार है, सीओ नारायणपुर। घटना कहाँ की है? घटना यही नवगछिया की है। नवगछिया किस जगह सर? नमामि गंगा जो प्रोजेक्ट है उसी के बगल की एक गली है। नहीं, घटना महिला कहाँ की रहने वाली सर? सॉरी, उसके डिस्क्लोज करना ठीक नहीं है। तो सर महिला को क्या उस आपके रूम से बरामद किया गया? पहले से आके उन्होंने आवेदन दिया है? नहीं नहीं, इसी रूम से ही बरामद की गई है। वहीं वहाँ उसका फ़ोन आया था कि मेरे साथ गलत किया जा रहा है, वहाँ पुलिस पहुँची और अभी को गिरफ्तार। मौके से क्या क्या बरामद हुई सर? अभी ऑफिसियल टीम को हम लोग लेके जा रहे हैं, जाँच उच करते हैं क्या हो सकता है। मौके से कहा जा सकता है रंगे हाथ पकड़ा गया है? क्या कहा जा सकता है रंगे हाथ इस तरह की घटना?
बिहार के पश्चिम चंपारण शिकारपुर थाने में तैनात महिला एएसआई का पैसा लेने का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें एएसआई मीना कुमारी कुछ रुपए लेती दिख रही है, जिसको लेकर हमारे संवाददाता पूरे मामले की जांच पड़ताल को लेकर शिकारपुर थाना के बरवा बरौली गांव पहुंचे, जहां उन्होंने पूरे मामले की पड़ताल की। बताया जा रहा है कि एक परिवार में सास और बहू के बीच हुई अनबन में जांच के लिए आई महिला अधिकारी एएसआई मीना कुमारी ने बहू से पैसे की मांग की थी और वही अब उनका रिश्वत लेते हुए वीडियो भी वायरल हुआ है। तो ये वही वीडियो है एएसआई का जो रिश्वत लेती हुई नजर आ रही है। फिलहाल एएसआई मीना कुमारी ने खुद को मीडिया के सामने मुखातिब होते हुए निर्दोष बताया है, लेकिन इस वीडियो को भी नकारा नहीं जा सकता जो इस वक्त सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ है। तो सब मैडम ला के दिया, मोबाइल भी ला के दिया, कपड़े हर कपड़े ला के दिए, सारी चीज ला के दिए। तो पैसा किस तरह की बात है, पैसा वाला जो बात है वीडियो में वायरल हो रहा है? वो सारा सामान को दिए। कौन दे रहा था? मेरा सास मैडम को। हाँ, तो क्या चीज का पैसा वो दे रहे थे? मैडम सामान लाई थी उसका पैसा? हाँ, उसी का पैसा। तो मैडम नहीं लिया। अच्छा, मैडम नहीं ली पैसा? नहीं लिया। अच्छा, कह रही उनका पतो सास पतो का झगड़ा रहा, अब उनका पोतो कॉल रही जो हमारा लगे ना सौर बा, ना कपड़ा बा, ना मोबाइल बा, हम बात कहाँ करी। तो सामान लेके आ रही केकर पोतो रही? वो पोतो रही हिरमाथो देवी के। अच्छा जी, कहाँ के है वो? बरवा बरौली। अच्छा, तो मैडम जब आ रही ये सही सामान लेके आ रही, मोबाइल साड़ी सरफ वरफ सब लेके आ रही, तो ओकरा एवज में 300 रुपया देते रह, तो कहत रही ना 300 रुपया हम का करें तू ले लो। ये तो बात है सर, तब तहिया आई रही चकिनिया पर तहिया मन रहनी सन हमने बीच में आई रही तो हमने नहीं सन। अच्छा, जौन पैसा वो देता नहीं 300 रुपया रुआ देता नहीं? हाँ, काहे खातिर देते रहनी? पतो ये कहत रह जे बोलू मोबाइल इनके बेटा ले लेते रहे तो हमरा मोबाइल ले कहत रह जे तो दे पैसा तो मोबाइल किन के मिला के दे दी, तो कौन 300 रुपया ले दी। अच्छा, मांगत तो नहीं कि मोबाइल रहा और पोतो मांगत रही कि हमारा मोबाइल नहीं खे, कपड़ा नहीं खे, वही के मत में यहाँ के खरीद के लिए रहनी कपड़ा, वही के पैसा मांगत रहनी? तो हाँ, मैंने मोबाइल बनू पैसा मांगत रहनी कि रोबा खुद देने ठीक बा, मोबाइल तो इंतजाम कर देते नहीं, क्योंकि मोबाइल खातिर पैसा 300 रुपया देते रहे किने खातिर मैडम ना ले बाद में सर सामान के कपड़ा लता कहे नहैल नहीं कि कपड़ा नहीं कहे तो कपड़ो उपड़ो कहे ठीक बा हम सब चीज ध्यान दे बीच में लेके आई रही तो ये लोग ना रहे चल गए फिर बाद में दोबारा हम लोग कॉल कर जाओगे बनिया हम लोग यही काम है। परसों तरसों की बात है कि एक इम्तियाज नाम का आदमी था धूमनगर के, वो अपने बीबी को बहुत मार मारा था और उसके बाद में वो दवा सुई नहीं करा रहा था। जब उसके घर हम गए आई वो लड़की रखा है बंगाल के लेकर रखा है, उसको मानता है इसको नहीं मानता है, जब हम उठा रहे हैं तो उठ ही नहीं रही है, और उसको मोटरसाइकिल पर लाद के हम उसको ले गए हॉस्पिटल में, आज 4 को सुई दिलवाए, 8-10 को उसको सुई या दवाई लेके माथा में तेल लगाए, उसके बाद खाना अपना खिला के उसको उसके घर पे ले गए और सबको समझा बुझा के कि अब केस इसके बाद बदमाशी करेगा तो हम केस कर दें। वहीं बिहार के भागलपुर नवगछिया तेतरी में भीषण गर्मी के चलते आग लगने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। इसी कड़ी में देर रात फर्नीचर उद्योग की कई दुकानों में भीषण आग लग गई, जिसमें दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया, जिसके बाद आसपास के लोगों ने दमकल विभाग को सूचना दी और मौके पर पहुंची दमकल की 6 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। और किस प्रकार की आगजनी थी आप लोगों को? कितने बजे? 3 बजे घटना में सूचना मिला हमको। और किस तरह से आग को आग पर काबू पाया गया? आग काबू पानी हम देते हैं जाकर गाड़ी लेकर आते हैं, विस्तार होने के बाद लगभग हम लोग गाड़ी लेकर आते हैं। क्या आग का रूप जो भयावह रूप था उस लेकर हम लोग कहीं दूर दूर सूचना देते हैं। कितने गाड़ी मंगाई गई थी दमकल की? भागलपुर से 2 गाड़ी मंगाई गई थी और नवगछिया से कितने गाड़ी? से 4 गाड़ी था। लोग अपना दुकान घुसे सामान निकालने के लिए, तब तक मैं आग मेरे दुकान में लग गया था, सबों के दुकान में लग गया, कुछ सामान नहीं निकाल पाए, बिस्तर पंखा तंखा निकाल पाए, बिजली था, बिजली से भी
जैसे ही बिजली का सामान तमान आवाज करने लगा, इसलिए हम लोग दुकान से कोई सामान भारी भरकम नहीं निकाल पाए। आपको इस घटना की जानकारी कब मिली? एक दुकानदार यहाँ से 2:50 में फोन किया कि आपके दुकान के बगल में आग लग गया, आप जल्दी से आइए। लोग आ करके यहाँ देखे तो सामान निकालने की कोशिश किए, सामान नहीं निकाल पाए, जितना सामान था सारा जल। 3:30 बजे घटना की जानकारी मिली थी। तो क्या सब इस आगजनी में नुकसान हुआ है, किस प्रकार का नुकसान हुआ है? इसमें जो है कि फर्नीचर का जितना माल बना हुआ था सारा जल गया। लगन में ही आदमी 3 लाख का ऑर्डर लेके बैठे हुए जो है कि ऑर्डर था हम लोग को 3-4 लाख का, वो सारा माल रेडी था। आज डिलीवरी का टाइम आज कल डिलीवरी होने वाला था, वो नहीं जा पाया, वो सब जल के खत्म हो गया। हम लोग जब देखे तो यहाँ पूरा जल के राख हो गया था। लगभग कितने का नुकसान हुआ होगा यहाँ पे आग लगने के बाद? यहाँ पे पूरा लमसम कहा जाए तो 1.5 से 2 करोड़ के आसपास नुकसान हुआ होगा। ये अभी जो लोग जिनका यहाँ दुकान था या फिर घर था, मुश्किल है, बहुत सारा यहाँ पर जिनका सब लोग अपने अपने घर पे रह रहे थे, कुछ लोग यहाँ भी रहते थे, देख रहे हैं कि आस पास में बगल बगल में रहते थे, कुछ घर में थे। आग लगने के बाद जो है पता चला, हल्ला हुआ तो सब आदमी ब्राह्मण सब भी आया तो बुझाने लगा। बुझाने के बाद भी जो है ना हर जगह जो है फोन किया गया, तब दमकल वगैरह भी आया, कुछ ग्रामीण लोग का जो है। आपको कितने बजे घटना की जानकारी मिली थी? हम लोग को 3:30 बजे के आसपास। 1-2 लाख का वो भी जल गया, और उसके बाद पैसा वैसा था, मतलब 2 लाख पूरा के रखे थे कि घर उर बनाएंगे, कहीं बना लेंगे तब रहेंगे बढ़िया से, वो भी जल गया। यहीं रहते थे? हाँ, हम यहीं पर। कितने दिन से आप यहाँ रहे? लगभग 20 साल से ज्यादा हो गया हम यहीं रहते हैं। आपके दुकान में कितने का नुकसान हुआ? मेरे दुकान में लगभग 10 लाख का नुकसान हुआ है, लकड़ी जेवर कपड़ा सब लगा के, बर्तन उर्तन सब। और दमकल की गाड़ी कितने बजे आई? दमकल की गाड़ी लगभग 3 बजे एक ठो आई तो वो कुछ नहीं कर रही थी, वो खड़ी थी। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ।